ज़रू यूनिवर्सिटी शालीमार आज इस नई टेक्नोलॉजी को यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस कर रही है, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है। जम्मू कश्मीर जो यूटी है, ये जा रही है टुवर्ड्स डिजिटल एग्रीकल्चर। एक बहुत बड़ा मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिजिटल एग्रीकल्चर की तरफ, और उस डिजिटल एग्रीकल्चर में हमने प्रिसीजन एग्रीकल्चर उसका एक बड़ा कंपोनेंट है, और उस प्रिसीजन एग्रीकल्चर में ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक टेक्नोलॉजी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो जम्मू कश्मीर में जो भी हम केमिकल स्प्रे करते हैं यहाँ पे, जो पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स यूज़ करते हैं, 90% यूज़ उनका होता है ऑर्चर्ड सिस्टम पे। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और हम एक्सेसिव यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं, और उसमें लेबर इंटेंसिव भी है और उसमें वेस्टेज ऑफ केमिकल काफ़ी ज़्यादा है। तो इस टेक्नोलॉजी जो आपने अभी देखा यहाँ पे स्प्रे ड्रोन है, इसको इंट्रोड्यूस करने से हम उस वेस्टेज को कम कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। जैसे एक एकड़ ज़मीन पे, एक एकड़ ऑर्चर्ड पे करीब 250 लीटर केमिकल और पेस्टिसाइड हमें चाहिए, लेकिन इस ड्रोन टेक्नोलॉजी से हमें एक एकड़ मतलब 8 कनाल ज़मीन पे सिर्फ 10 लीटर हमें चाहिए, तो 240 लीटर पेस्टिसाइड हम सेव कर सकते हैं। उससे एक फ़ायदा ये है कि जो माहौल को हम नुकसान करते थे एक्सेसिव केमिकल स्प्रे करके, वो भी कम हो जाएगा, और जो कॉस्ट है ऑन लेबर और केमिकल कॉस्ट, वो भी कम हो जाएगा। तो ये एक हमारी कोशिश है कि हम एग्रीकल्चर को जो नए तरीके हैं उसकी तरफ हम उसको कैसे ले जाएं, और हम इस एग्रीकल्चर में ग्लैमर कैसे लाएं, और जो हमारे यूथ जो एग्रीकल्चर से दूर भाग रहे हैं, जो एजुकेटेड रूरल यूथ हैं जो एग्रीकल्चर से दूर जा रहे हैं और एग्रीकल्चर को छोड़ रहे हैं, तो इन टेक्नोलॉजी से वो बच्चे, वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो वापस एग्रीकल्चर की तरफ आ सकते हैं। इस डेमो में हमने अपने साइंसदानों को बुलाया, हमने अपने फ्रूट साइंस के साइंटिस्टों को बुलाया, पैथोलॉजी के साइंटिस्ट को बुलाया, और हमारे फार्मर्स फील्ड वर्कर्स जो है उनको बुलाए, ये दिखाया कि देखो भाई किस तरह ये एनर्जी एफिशिएंट है, किस तरह ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, किस तरह इसमें हम कम से कम पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं, किस तरह हम स्पेसिफिक टारगेट उसी ट्री को कर सकते हैं जिस ट्री पे बीमारी है। तो ड्रोन की आने की वजह से मुझे लगता है कि जो पहले हम लेबर ज़्यादा बढ़ाते थे, अब हमें लेबर की उनकी कॉस्ट एम्प्लॉयमेंट जो है ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और फ़ायदा काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो स्टूडेंट के लेवल पर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और जॉब अपॉर्चुनिटी ड्रोन की वजह से काफ़ी आ सकती हैं, और इस चीज़ के लिए पहले तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रगुजार हैं और अपने पर्टिकुलरली वाइस चांसलर स्कॉच कश्मीर डॉक्टर नज़ीर गनई साहब का शुक्रगुजार हैं। उसके बाद हम बात करें तो ये जिस तरीके से वाइस चांसलर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि हम आने के दिनों में हर केवीके में ड्रोन सिस्टम का, ये ड्रोन जो टेक्निक है वो हम इंस्टॉल कर देंगे, उसकी वजह से मुझे लगता है कि हर लोगों को जो इंडिविजुअल फार्मर है उनको इस चीज़ का बेनिफिट हो सकता है। और इन शॉर्ट में इस चीज़ का मेन क्रेडिट जो देने जाऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो हमारे वाइस चांसलर स्कॉच कश्मीर हैं डॉक्टर नज़ीर गनई साहब, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ पर काम भी किया और कहीं ना कहीं वो काम आज मंजिल पर आ रहा है। ये जो हमारा ड्रोन है, हमारी कंपनी आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाती है, और हमने ड्रोन का नाम दिया है एग्रीबोट। ये जो ड्रोन है 10 लीटर का पेलोड लेने के लिए कैपेबल है, तो 10 लीटर जो लिक्विड होता है वो दवाई का और पानी का मिक्सचर होता है, वो हम एक एकड़ में स्प्रे करते हैं, और ये करीब 25 केजी का ड्रोन है, तो ये स्मॉल कैटेगरी में आता है। तो उसके लिए हमको पायलट लाइसेंस चाहिए होता है ड्रोन उड़ाने के लिए, तो अगर आपको स्मॉल कैटेगरी का ड्रोन उड़ाना है तो स्मॉल कैटेगरी का ही वो चाहिए आपको लाइसेंस। उसके बाद जो हमारा ड्रोन है ये टाइप सर्टिफाइड है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से, और DGCA से भी सर्टिफाइड है, तो आप ये डिजिटल स्काई नाम की वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं इसको। फिर इसका जो फ्लाइट टाइम है 20 मिनट का है, लिथियम आयन बैटरीज हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए।